अनाथ आश्रम में यहीं पर रोका था ना, तो जो रायतार जंगोदाई का अनाथ आश्रम है उस आश्रम में कालंकित महिला और बेवा महिला रहती थी। उन सबकी मुखिया कौन थी? रायतार जंगोदाई। यहीं पर रोका था ना, तो वहां जितनी कालंकित महिला थी आश्रम में उन सब महिलाओं के मिला के बच्चे हुए थे 28, और जो बेवा महिला थी उन सभी के बच्चे मिला के हुए थे 5। इस प्रकार से वहां कालंकित बच्चे और बेवा बच्चे कितने थे? 33। याद रखना, यही 33 जो बच्चे हैं आगे चल के 33 कोट के देवता बनते हैं, ठीक है ना। तो ये कलियादाई वही 33 कोट बच्चों की माँ बनी आगे चल के, वही से गुरु विक्रमदेव राजा बीरसाह को गाथा सुनाते हैं कैसे। गुरु विक्रम बोले है बानी, गुरु विक्रम बोले है बानी, गुरु विक्रम बोले है बानी, पीर साहे सुनो सकल कहानी, सुनो आगे की कहानी, आगे की कहानी। बोले महाराज कि आगे चलो यह कलिया दाई। बोले राजा जो कलिया दाई है वो आगे चल के क्या बनती है? कि आगे चलो यह कलिया दाई, 33 बच्चों की माँ कहलाई। बोले जो कलियादाई है वो ये 33 कोट बच्चों की माँ कहलाती है। इस प्रकार से कलियादाई अपने 33 ही बच्चों को रोज खाना खिलाती है, देख रेख करती है, मतलब रखवाली करती है और अपना समय बिताती है। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था और बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। ज्यों ज्यों बच्चे बड़े हो रहे थे त्यों त्यों कलियादाई को परेशान कर रहे थे, क्योंकि बड़े नटखट थे, बड़े चंचल थे। तो एक दिन कलियादाई को कुछ काम करना जरूरी था, तो बच्चे परेशान कर रहे थे, तो कलियादाई ने बोली बेटा मुझे काम कर लेने दो। तुम बोले मुझे परेशान कर रहे हो, एक काम करो। बोले मैं काम कर रही हूं, तुम आश्रम से दूर जाके खेलो। बोले बच्चे बोले किधर जाए माँ खेलने? किनारे में पहाड़ी थी जंगल। बोले वो जंगल की तरफ चले जाओ, बोले वो जंगल में जाके खेल के आ जाओ। अब 33 ही बच्चे आश्रम से निकले और खेलने के लिए वो जंगल की तरफ चले गए। अब वो जंगल में खेलने लगे, खेलते खेलते बच्चों को याद नहीं रहा, धीरे धीरे दिन डूब गया, समय का पता ही नहीं चला उनको। अब जब दिन डूब गया, अंधेरी हो गई, तो बच्चे लोग आश्रम आने का रास्ता भटक गए, आश्रम ही नहीं आ पाए, वो जंगल में ही भटकते रहे। इधर कलियादाई आश्रम में रास्ता देखते देखते परेशान हो गई, लेकिन बच्चे रात भर आश्रम नहीं आए। कलियादाई भी बच्चों की याद में रात भर नहीं सोई। जैसे ही सुबह हुआ तो कलियादाई जो आश्रम में जंगोदाई थी और जो और महिला थी उनसे बोलने लगी
कि बोले कल मेरे जो 33 बच्चे हैं खेलते खेलते जंगल के तरफ चले गए, पता नहीं बोले क्या हो गया, क्या रास्ता भटक गए। बोले पूरी रात हो गई, बोले बीत गई, बोले लेकिन बच्चों का पता नहीं, अभी तक नहीं आए हैं, बोले और मैं भी रात भर नहीं सोई, बोले अपने बच्चों की याद में। इसलिए बोले तुम यही आश्रम में रहना, बोले मैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। बोले ठीक है। जंगोदाई बोली ठीक है। बोले कलियादाई जाओ, बोले अपने बच्चों को ढूंढ के ले आओ। अब कलियादाई आश्रम से निकली बच्चों को ढूंढने के लिए और जंगल पहुंची। कलियादाई ने अपने बच्चों को जंगल में खूब ढूंढी, लेकिन मेरे भाई कलिया को बच्चे कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। कलियादाई परेशान हो गई। जब बच्चे नहीं मिले तो कलियादाई ने जंगल में संकल्प कर लिया, बोले जब तक मुझे मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे तब तक मैं आश्रम नहीं जाऊंगी, बच्चे मिलेंगे तभी आश्रम जाऊंगी, ये संकल्प कर लिया। अब कलियादाई बच्चों को ढूंढ रही है। 2 दिन हो गए फिर भी बच्चों का पता नहीं चला। 2 दिन के बाद 3रा दिन लग गया, फिर भी बच्चों का पता नहीं चला। 1 दिन बाबा शंभू, 3रे दिन मतलब गोरादाई के साथ घूमते हुए भ्रमण करते हुए वही आश्रम पहुंचे, जंगूदाई का आश्रम। आश्रम जाके देखे तो बच्चे नहीं दिखे, तो आश्रम सूना सूना लगा। तो शंभू बाबा कहने लगा जंगूदाई से, बोले जंगूदाई आज तो बोले आश्रम पूरा सूना लग रहा है। बोले बोले क्यों? बोले आज बच्चे नहीं दिख रहे हैं। बोले वो 33 बच्चे कहाँ हैं? बोले जंगोदाई। जंगोदाई कहने लगी बाबा शंभू वो जो 33 बच्चे हैं, बोले जो कलिया के, वो तो बोले आज 3 दिन हो गए, बोले पता नहीं कहाँ भटक गए, बोले खेलते खेलते बोले एक जंगल में, और उनकी जो माँ है कलियादाई वो भी उनको ढूंढने गई है, बोले वो भी आज बोले 3 दिन हो गई, बोले कलिया का भी पता नहीं है और बच्चों का भी पता नहीं है, बोले पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। बोले शंभू बाबा को बड़ा दुख हुआ, गोरादाई से कहने लगा गोरादाई क्या करें? बोले एक काम करो, तुम यही आश्रम में रहना, बोले जंगोदाई के साथ, मैं जा रहा हूँ बोले कलिया के बच्चों को ढूंढ के लाता हूँ, बोले कहाँ भटक गए हैं, बोले और कलिया को भी ले आऊंगा बोले ढूंढ के। बोले ठीक है, बोले जाओ। अब गोरादाई जंगोदाई के साथ आश्रम में रुक गई। अब बाबा शंभू बच्चों को ढूंढने के लिए निकले। अब ये जंगल पहुंचे बाबा शंभू, तो बाबा शंभू ने जंगल में बच्चों को ढूंढ लिया, मतलब शंभू बाबा को बच्चे मिल गए, लेकिन कलियादाई का पता नहीं चला। शंभू ने सोचा कि चलो कलियादाई को तो बाद में भी ढूंढ लेंगे, बाद में ले जा लेंगे, लेकिन अभी चलो ये बच्चे मिल गए हैं तो इनको पहले आश्रम पहुंचा दो। तो बाबा शंभू ने 33 बच्चों को लेकर के और आश्रम पहुंचा। अब बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे थे, पूरे बच्चों का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था भूखों के कारण। शंभू बाबा कहने लगा गौरा से और जंगो से, बोले गौरादाई जंगोदाई सुनो, बोले ये बच्चे ना बहुत भूखे हैं प्यासे हैं, इसलिए बोले देर मत करो, सबसे पहले इन बच्चों को आप भोजन बना के इनको खिलाओ। बोले ठीक है। अब जंगोदाई ने, गोरादाई ने और सब महिलाओं ने मिलके आश्रम में बच्चों के लिए भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद 33 बच्चों को भोजन खिलाया गया। अब बच्चों ने भोजन तो खा लिया। अब भोजन खाने के बाद सब बच्चे गोरा के पास पहुंचे और गोरा से कहने लगे, बोले गौरादाई हमारी जो कलिया माता थी ना कलिया माँ, वो हमको बोले खाना खिलाने के बाद हमको रोज दूध पिलाती थी, बोले इसलिए बोले हमारी आदत बन गई है, इसलिए आप भी बोले हम सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूध पिला दो, क्योंकि बिना दूध पिए बोले हमारा मन नहीं मानता, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती,
गोरादाई कहने लगी, बेटा मेरे पास तो दूध नहीं है, मैं कहाँ का दूध पिलाऊं आपको। बोले, नहीं माँ, हमारी कलियादाई हमको रोज पिलाती थी खाना के बाद, हमारी आदत बन गई है, इसलिए आप कहीं ना कहीं से दूध लाओ, बोले, और हमको दूध पिलाओ। गोरादाई कहने लगी, बेटा नहीं है मेरे पास दूध। नहीं, बोले, हमको दूध चाहिए, मतलब चाहिए, आप कहीं से लाओ, कहीं से व्यवस्था करो, लेकिन हमारे लिए दूध लाइए। हट करने लगे बच्चा। गोरादाई ने सोची कि ये बच्चे मानेंगे नहीं अब, इसलिए कहीं ना कहीं से इनके लिए दूध लाना ही पड़ेगा। गोरादाई कहने लगी, ठीक है तो बेटा, बोले, तुम आश्रम में ही रुको, मैं थोड़ी देर से बोले आपके लिए दूध लेके आती हूँ। अब गोरादाई ने सोची कि बच्चे छोटे छोटे हैं, ये दूध का स्वाद क्या जानेंगे। गोरादाई कहाँ पहुंची, नदिया के किनारे।